बीजेपी के नेता तो बलात्कारियों को पिताजी कहकर संबोधित करते हैं कि बेटियों की बात करते हुए, महिलाओं की बात करते हुए, और दूसरी ओर बलात्कारियों को रिहा किया जाता है। देखिए मैं आपको बता दूं कि जो करनाल से जो बीजेपी की जो मेयर थी रेणुबाला गुप्ता, उन्होंने जिस प्रकार से राम रहीम को, आप सभी लोगों ने सुना होगा कि उन्होंने पिताजी कहकर भी संबोधित किया था, और उन्होंने क्या लिखा था वो मैं आपको पढ़कर बता भी देता हूँ कि जो रेप के जो दोषी हैं राम रहीम, उनको लेकर करनाल की जो बीजेपी की जो मेयर हैं रेणुबाला गुप्ता ने राम रहीम को पिताजी कहकर संबोधित किया। इस कार्यक्रम में शामिल इन नेताओं ने, और सुन लीजिए कौन कौन में शामिल था कार्यक्रम में, मैं आपको बता दूं कि बीजेपी के जिला अध्यक्ष योगेंद्र राणा, डिप्टी मेयर नवीन कुमार और मिनिया डिप्टी मेयर राजेश कुमार भी इसमें शामिल थे। मैं आपको बता दूं, जिस प्रकार से आप देख रहे हैं कि बलात्कारियों को पैरोल पे छोड़ दिया जा रहा है, एक और तो देश के प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और वो भी ठीक से नहीं बोल पाते हैं। जब देश के प्रधानमंत्री लाल किले से खड़े होकर देश की आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे होते हैं, उस वक्त एक और आपने देखा कि 11 बलात्कारियों को छोड़ा जाता है, ठीक है। उसके बाद अब आपने देखा कि बलात्कारी जो है, जिस प्रकार से उस पर बलात्कार का दोष भी साबित है राम रहीम, उसको 40 दिन के लिए पैरोल पर छोड़ा जाता है, क्योंकि जब उनका सत्संग और कार्यक्रम होता था तो उसके अंदर बीजेपी के लोग भी शामिल होते थे। बीजेपी के नेता तो बलात्कारियों को पिताजी कहकर संबोधित करते हैं, क्योंकि इस देश में ज़्यादातर अपराधी, चाहे वो बलात्कारी हो, चाहे बच्चा चोर हो, चाहे फिर वो तमाम अवैध काम करने वाले लोगों, सबका संबंध भारतीय जनता पार्टी से ही होता है। ये बात मैं आपको सीधे तौर पर बता दूं। आपको एक घटना याद होगी अभी हाल ही में उत्तराखंड की, जिसके अंतर अंकिता के मामले में आपने देखा होगा जिस प्रकार से उस लड़की को, उस बेटी को मारा गया, उसके अंदर भी भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मंत्री का बेटा शामिल था। उसके बाद कुलदीप सिंह सेंगर, आपने सुना होगा कुलदीप सिंह सेंगर कौन सी पार्टी का था। तो भैया आप ये बताइए ना, आप बलात्कारियों को छोड़ रहे हैं, ठीक है ना, ये जो हैं ये आइडियल हो रहे हैं लोगों के, ठीक है। एक और आपने देखा कि आप एक काम करिए, आसाराम बापू जो है वो भी है, उसको भी आप छोड़ दीजिए, ठीक है, बलात्कारियों को छोड़ दीजिए। 11 जो बलात्कारी हैं वो भी आपने छोड़ दिए हैं, इधर राम रहीम को भी पैरोल पर आपने निकाल दिया है बाहर। जिस प्रकार से आप बलात्कारियों को छोड़ रहे हैं और उसके बाद आप बेटियों की बात करते हैं, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को शर्म नहीं आती है कि बेटियों की बात करते हुए, महिलाओं की बात करते हुए, और दूसरी ओर बलात्कारियों को रिहा किया जाता है? नहीं नहीं, मैं आपको एक बात बता दूं, मैं वही तभी तो मैं आपसे कह रहा हूं कि आप एक काम करिए ना, आप इन बलात्कारियों को सबको बाहर निकाल दीजिए। आप तो कह ही रहे हैं कि इनका जो है बर्ताव इनका अच्छा है, तो आप एक काम करिए, इन बलात्कारियों को बाहर निकाल दीजिए और लोग इनसे प्रेरणा लेंगे, तो प्रेरणा स्रोतक हो रहे हैं ना लोगों के, ये तो लोगों के प्रेरणा स्रोतक हो रहे हैं बलात्कारी। भाजपा वाले तो इनको पिताजी कह रहे हैं, जो पार्टी के नेता बलात्कारियों को पिताजी कहें, ऐसे बाबाओं को वो पिताजी कहकर बुलाएं, तो मुझे बड़ी शर्म आती है इस बात से। दूसरी बात, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी नारी सम्मान की बात किस मुंह से कर लेते हैं, मुझे तो ये समझ में नहीं आता। आपने देखा होगा कि देश के प्रधानमंत्री जी हर टाइम 24 घंटे अरे नारी सम्मान की बात करते हैं। बेटियों की इज्जत और आबरू लूटने वाले आपकी पार्टी के नेता, बेटियों के साथ खिलवाड़ करने वाले आपकी पार्टी के नेता, बलात्कारियों को पिताजी बोलने वाले आपकी पार्टी के नेता, तो आप किस मुंह से जो है वो महिला सम्मान की बात करते हैं, नारी सम्मान की बात करते हैं? अरे भैया इनका तो बस नहीं चल रहा, ये महिलाओं की सुरक्षा का जिम्मा भी आसाराम और राम रहीम जैसे लोगों को दे दें, उनके हाथ में दे दें। आपको एक बात सीधे तौर पे बताऊं कि आज कहीं से कहीं तक आपको कश्मीर से कन्याकुमारी तक आपको महिला सुरक्षित नजर आती है? बताइए, आपको पूरे देश में अगर आपको लगता हो कि महिला सुरक्षित है, बताइए। अरे भैया यूपी में अगर महिलाएं सुरक्षित हैं, तो आपने देखा होगा हाल ही में अभी लखनऊ के अंदर एक छात्र के साथ में बलात्कार हुआ है, क्या आपको एक महिला होते हुए इस बात की जरा भी शर्म और अफसोस नहीं? मैं आपसे कह रहा हूं, आपको महिला होते हुए क्या आपका सीना, आपका कलेजा नहीं पसीजता? क्या आपका दिल इतना पत्थर का है कि आप एक महिला होते हुए भी ये दिल ये इस बात के लिए नहीं सोचता कि कम से कम मैं एक महिला हूँ, मेरे को महिला के लिए, मैं आपसे एक महिला के तौर पर, मैं आप पे कोई आरोप नहीं लगा रहा हूँ, और देश की तमाम महिलाओं से भी मैं पूछना चाहता हूँ कि अगर मैंने इन पत्रकार महोदय के लिए कोई गलत प्रकार का शब्द कहा हो तो आप मुझे बताइए। मैंने सिर्फ इनसे इतना कहा और इनको इस बात की मिर्ची लग गई कि
मैंने सिर्फ इनसे इतना सा प्रश्न किया कि आप एक महिला हैं, क्या आपका महिला होते हुए दूसरी महिला के लिए कलेजा नहीं पसीजता? क्या आपको इस बात का बुरा नहीं लगता कि बलात्कार के जो 11 दोषी हैं उनको किस प्रकार से जेल से रिहा किया जाता है? जिस प्रकार से राम रहीम को आपने देखा कि जो है पैरोल पर बाहर निकाला जाता है, तो क्या आपको नहीं लगता कि हम सिर्फ महिला सुरक्षा की बात ही करते हैं, नारी शक्ति की बात ही करते हैं, हम किसी भी चीज़ पर इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं, किसी भी कार्य पे कोई भी इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं? देखिए, वो महिलाएं मंत्री कहाँ से बोलेंगी? अरे उन महिला मंत्री जब बोलती हैं, जब बात उनकी बेटियों की आती है, ठीक है ना, वित्त मंत्री जी सब्जी अगर खरीदने जाएंगी बाजार में तो 1000 फोटो अगले दिन सोशल मीडिया पे नजर आ जाएंगी, ठीक है ना। अगर आप वित्त मंत्री की बेटी के ऊपर आरोप लगाएंगे, वित्त मंत्री के या फिर स्मृति ईरानी की बेटी के ऊपर आरोप लगाएंगे, तो ये खूब बोलेंगे, ये लोग बड़े चिल्ला चिल्ला कर बोलेंगे, लेकिन जब बात इस देश के अंदर की बेटियों की आती है, गरीब बेटियों की आती है, आप आम जनता की बेटियों की और बच्चियों की बात आती है, तो भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं के, मंत्रियों के, सांसदों के मुंह पर ताला लग जाता है, इनके मुंह के अंदर फेविकॉल जम जाती है। आज देश के अंदर महिलाओं की सुरक्षा एक सबसे बड़ा सवाल है। महिला जिस प्रकार से आज असुरक्षित हैं, महिलाओं के साथ बलात्कारियों को रिहा कर दिया जाता है, तो ये सबसे बड़ा सवाल खड़ा करती हैं इस देश की अस्मिता पर। मैं देश के तमाम नेता, कोई भी नेता हो, मैं ये कहना चाहूँगा कि जो बिल्किस बानो के जो 11 दोषी हैं उनको लेकर आपको पूरे गुजरात चुनाव में मंच पे खड़े होकर ये समझाना चाहिए महिलाओं को कि आज जिस प्रकार से बलात्कारी खुलेआम घूम रहे हैं, तो उन बलात्कारियों से खतरा कल को आपकी बहन और बेटियों को भी हो सकता है। क्योंकि आपको मैं एक बात बता दूं कि कुत्ते की पूंछ को चाहे आप 12 साल पाइप में रख लो, वो एक बार को सीधी हो सकती है, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी के नेता कुत्ते की पूंछ से भी बदतर हैं, ये जिंदगी में कभी सीधे नहीं हो सकते। इनों का एक एजेंडा इस देश के अंदर है, हिंदू और मुसलमान का, ये सिर्फ बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं, बाकी कागजों में है ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बाकी सब जगह गुल है, बेटियों के नाम पर पैसा बटोरते हैं, चंदा उठाते हैं, और आपने देखा कि ये कई कई तो वीआईपी भी बुलाते हैं इनकी पार्टी के पूर्व मंत्री के बेटा, और आपने देखा भी होगा जिस प्रकार से जगह जगह अपराधी आज खुलेआम घूम रहे हैं। हरियाणा की बहन बेटियों को भी खतरा है, क्योंकि राम रहीम जैसे अपराधी आज खुलेआम सड़कों पर घूम रहे हैं, भले ही पैरोल पर घूम रहे हैं, लेकिन खतरा तो है देश की बहन बेटियों को। आज जिस प्रकार से बिल्किस बानो के 11 अपराधी सड़क पर घूम रहे हैं, हाथरस के अंदर एक बेटी के साथ बलात्कार हुआ, उसका कुछ पता ही नहीं चलता, तो ये वाक्य में देश के लोकतंत्र पे, देश के संविधान पे, देश की जुडिशरी पे एक बड़ा सवाल खड़ा। देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं कि आरएसएस को जो हिंदुओं की इतनी चिंता हो रही है, हिंदुओं का तो आप कम करवा रहे हैं। अरे आपकी पार्टी की सरकार है, 158 दिन से ज्यादा हो गए जम्मू कश्मीर के अंदर धरना चलते हुए, कहां हैं आपकी पार्टी के लोग? इतने लोग मर रहे हैं। अभी आपने सुना होगा कृष्ण भट्ट की हाल ही में हत्या हुई है, उससे पहले राहुल भट्ट की हत्या हुई है गोली मार के। अरे आपकी पार्टी के लोग तो आज सत्ता में बैठे हैं और वही तो हिंदुओं को कम करवा रहे हैं, और बीजेपी की सत्ता होने के बावजूद भी अगर हिंदू कम हो रहे हैं तो सवाल तो बीजेपी से पूछा जाएगा। ये तो है नहीं कि हम ट्रंप का गलेबान जाके पकड़ लें, तू बता भैया। तो आपने आपने जिस प्रकार से धर्म के अंदर धर्म का मजाक बना दिया है, अब धर्म परिवर्तन आदमी क्यों कर रहा है ये तो बताइए मुझे आप। आप धर्म की अच्छाइयां लोगों को बता नहीं रहे हैं। धर्म का एकमात्र एक उपदेश है, चाहे वो कोई भी धर्म हो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, सब धर्म का सिर्फ एक उपदेश है, और वो है इंसान होकर मानवता से प्रेम करना, इंसान होकर इंसानियत से प्रेम करना, ये धर्म सिखाता है, ये सभी का धर्म सिखाता है। धर्म में कहीं पे भी क्रूरता नहीं लिखी है, धर्म में कहीं पे भी लड़ाई झगड़ा आक्रोश नहीं दिखा है, लेकिन ये तो आप देख रहे हैं हर जगह धर्म के नाम पर दंगे करते हैं, तो ऐसे में लोग क्या करेंगे? आप ये बताइए सीधे तौर पर, ये धर्म की अच्छाइयाँ बता नहीं रहे हैं? नहीं नहीं, लोगों की मजबूरी नहीं, भारत एक डेमोक्रेटिक देश है, एक लोकतांत्रिक देश है, यहाँ पर सभी लोगों को अपने धर्म को मानने की आज़ादी है, ये एक धर्म निरपेक्ष देश है, आप किसी भी धर्म को, किसी भी जाति मजहब को आप मानने के स्वयं हकदार हैं। नहीं तो वो आप जाकर उनसे पूछिए, मैं क्या आपको उनकी पार्टी का राष्ट्रीय प्रवक्ता दिखता हूँ जो आप मुझसे पूछ रहे हैं? अरे जिस मुद्दे के बारे में मुझे पता ही नहीं है तो आप बच के रहे हैं। आप एक काम करिए, आपको पता है तो आप आके बता दीजिए। अरे भैया, इस्तीफा उन्होंने पार्टी ने मांगा या उन्होंने दिया ये बताइए आप। तो ये तो जब आप एक बात मुझे बताइए, मान लीजिए मैं किसी व्यक्ति के लिए बिना सोचे समझे बिना सुने मैं उनके लिए टिप्पणी दे दूं
और वो गलत निकले सूचना, फिर अगर मान लीजिए मैंने बोल दिया उन्होंने अपनी मर्जी से दिया है और वो कहते मैंने अपनी मर्जी से नहीं दिया, फिर तो जिस बात की आपको जानकारी ना हो भारतीय जनता पार्टी के पत्रकार मत बनिए जनाब, ठीक है। पूर्ण जानकारी लेके आइए, जब वो इस बारे में कोई ट्वीट करेंगे या लिखित में बोलेंगे तो पार्टी से आप एक बात, अगर पार्टी ने उनसे मांगी है इस्तीफा मांगा है तो उन्होंने MLA पद से इस्तीफा क्यों नहीं दिया, बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं ना। तो इसलिए बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना मत बनिए, पूरी तरीके से जानकारी इकट्ठा करिए उसके बाद सवाल करिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।